Hello students, myself Dr. D.K. Trivedi, lecturer in physics, Government Polytechnic College, Udaipur. आज हम applied physics के unit 4 gravitation गुरुत्वाकर्षण पर चर्चा करेंगे. गुरुत्वाकर्षण पर अध्ययन का सबसे पहले साक्ष्य मिलता है ब्रह्मगुप्त. भारतीय जो मनीषी हुए थे ब्रह्मगुप्त, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमें पहली बार परिचय दिया था. आधुनिक भौतिकी के अंदर, आधुनिक विज्ञान के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण का व्यवस्थित क्रमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने वाला व्यक्ति था न्यूटन. ब्रह्मांड के अंदर जहां पर भी दो द्रव्यमान हैं, उनके मध्य बल उपस्थित होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण. इसलिए इसको एक सर्वव्यापी बल कहते हैं. जहां पर भी द्रव्यमान है वहां पर यह बल उपस्थित होगा. न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि दो बिंदु द्रव्यमान है M1 और M2, उनके मध्य की दूरी है वो R है, तो दोनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है. गणित की भाषा में बात करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2. F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 का मतलब ये है कि यदि M1 और M2 द्रव्यमान के बीच में F बल लग रहा है, यदि इस द्रव्यमान को दुगुना कर दूं तो बल का मान दुगुना हो जाएगा. यदि दोनों द्रव्यमानों को दुगुना कर दूं तो बल का मान चार गुना हो जाएगा. यदि इस द्रव्यमान को दुगुना कर दें, इस द्रव्यमान को तीन गुना कर दें, तो बल का मान छह गुना हो जाएगा. इस तरह से द्रव्यमानों के बढ़ने के साथ उसी अनुपात में बल का मान बढ़ता जाता है. दूसरा पॉइंट दिया उन्होंने कि उनके बीच में, दो कणों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. यानी कि गणित की भाषा में बात करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², जहां R क्या है, इन दोनों कणों के बीच की दूरी है. ये नियम ये बताता है कि कणों के मध्य दूरी बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण का बल का मान घटता है, और ये तेजी से घटता है क्योंकि R का स्क्वायर है. F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r नहीं होके R का स्क्वायर है, इसलिए तेजी से घटता है. कहने का मतलब यह हुआ कि जब दोनों कणों के बीच की दूरी R है, तब बल का मान यदि F है, दोनों के मध्य दूरी को डबल कर दिया जाए तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो बल का मान F/4 पहले की अपेक्षा चौथाई भाग रह जाएगा. यदि दूरी का मान 3 गुना कर दिया जाए तो बल का मान पहले की अपेक्षा 9वां भाग रह जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9. दोनों सूत्रों को एक साथ लिखने पर हमें प्राप्त होता है F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2/r², और जैसे ही समानुपात का चिन्ह हटेगा और बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो G एक हमारा समानुपात का नियतांक आ जाएगा, और इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं. इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मान ब्रह्मांड के सभी स्थानों पर इसका मान एक नियत होता है. चाहे हम गुरुत्वाकर्षण बल की गणना परमाणु के अंदर विद्यमान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य करें, चाहे ब्रह्मांड में विद्यमान सूर्य और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करें, इस जी का मान वही प्रयुक्त होगा. चाहे हम इस बल का मान वायु या निर्वात में करें या दोनों कण किसी माध्यम में रखे हुए हैं, तो भी बल का मान यही होगा, कोई अंतर नहीं होगा. ऐसा ही मात्रक पद्धति के अंदर कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान है वो 6.67 × 10^-11 ऐसा ही मात्रक होता है. जी का मात्रक पता करने के लिए हम इस फार्मूले पर जाते हैं. यहां से जी का मान निकालने के लिए ये आर स्क्वायर है वो एफ के साथ गुणे में चला जाएगा, और एम वन और एम टू है वो बराबर के इधर जाने पर भाग में चले जाएंगे. सो वी गेट कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर अपॉन M1 M2. F का मात्रक हो गया न्यूटन, R का स्क्वायर यानी कि दूरी का स्क्वायर का मात्रक हो गया M मीटर का स्क्वायर, M1 M2 यानी कि दो द्रव्यमानों का गुणनफल है उसका मात्रक हो गया kg का स्क्वायर. G की विमा की बात करें तो F की विमा हो जाएगी
एम वन एल वन टी माइनस टू, आर स्क्वायर जिसमें लंबाई आ रही है उसकी विमा हो जाएगी एल का स्क्वायर, एम वन एम टू ये दो द्रव्यमान है इनके दोनों की विमा मिलकर हो जाएगी एम गुणा एम दैट इज एम स्क्वायर, ये एम टू दी पावर टू ऊपर जाके माइनस टू में बदल जाएगा और इस वन के साथ मिलकर ये बना लेगा एम टू दी पावर माइनस वन। एल वन और एल टू आधार समान है, गाते जुड़ जाएंगी, वन में टू एड होके मिल जाएगा एल टू दी पावर थ्री, यहां से आएगा टी टू दी पावर माइनस टू। इस प्रकार से हमें जी की विमा प्राप्त हो जाती है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल को समझने के लिए इसको एप्लीकेशन के रूप में हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। एक किलोग्राम के हमारे पास दो द्रव्यमान हैं और उनके बीच की दूरी यदि 1.6 मीटर है तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करनी है। तो एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू 1 के जी, ये दिया हुआ है हमें। आर इज इक्वल टू 1.6 मीटर, ये भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। कैपिटल एफ का मान है वो हमें ज्ञात करना है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान। जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है वो है हमारा 6.67 इंटू 10 टू माइनस 11 SI यूनिट्स में। यहां पे प्रयुक्त सूत्र हो जाएगा एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पे मान रखने पर ये आ गया 6.67 इंटू 10 पर माइनस 11, ये जी की वैल्यू आ गई। एम वन और एम टू दोनों की जगह 1 और 1 रख दिया, आर का स्क्वायर है इसलिए दूरी 1.6 गुणा 1.6 लिख दिया, इसको 1.6 को इससे काटा तो 4.2 आ जाता है, और 4.2 में 1.6 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। दिस इज अवर आंसर। इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन का जो नियम है वो पूरा होता है। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण शब्द का तात्पर्य है वेग में परिवर्तन की दर। यदि वेग की परिभाषा से देखें, बल की परिभाषा से देखें तो एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल। अब हम बात गुरुत्वीय त्वरण की कर रहे हैं, इसका मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई एकांक द्रव्यमान की वस्तु है उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी को ही हम त्वरण कहते हैं। यदि गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्मॉल एम द्रव्यमान के कण पर एफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, स्मॉल एम द्रव्यमान के कण पर एफ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो परिभाषा के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल यानी कि एफ अपॉन एम, एकांक द्रव्यमान एक इकाई द्रव्यमान पर लगने वाला बल। जिस प्रकार से 20 पेनों का मूल्य यदि 100 रुपया है तो एक पेन का मूल्य क्या होगा 100/20, उसी तरह से एम द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना है एफ, तो एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा एफ अपॉन एम, और उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जी। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक प्रकार का त्वरण ही है। इसका दूसरा मात्रक न्यूटन अपॉन केजी भी हो सकता है, परंतु त्वरण का पॉपुलर यूनिट है वो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर ही है। वेग के रूप में बात करें तो त्वरण होता है वो बताता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि एक सेकंड में वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है वो त्वरण के बराबर होगा। किसी स्थान पर किसी वस्तु को यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए देखे, जैसे किसी ऊंचे टावर से कोई वस्तु गिर रही है एम द्रव्यमान की, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है इसका मतलब प्रारंभिक वेग इसका जीरो हो गया। एक सेकंड के बाद उसका वेग हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड के बाद में वो 9.8 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगा, और अगले सेकंड में ये वेग है उसमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाएगी, परिवर्तन की दर यानी कि वृद्धि हो जाएगी। तो दो सेकंड के बाद में वेग हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड, दो सेकंड के बाद में वो वस्तु है वो 19.6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी, और तीन सेकंड के बाद में वस्तु 29.4 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी। इस तरह से हर सेकंड में उसके वेग में 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग की वृद्धि हो जाती है। तो गुरुत्वीय त्वरण का ये भी महत्व है वेग की वृद्धि की दर के हिसाब से। अब हम पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान
कितना होता है उसको हम ज्ञात करेंगे। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज्ञात करने के लिए ये आर त्रिज्या का गोले के रूप में पृथ्वी को लेते हैं जिसका द्रव्यमान है m और उसकी सतह पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कण रखा हुआ है। कैपिटल m पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल r पृथ्वी की त्रिज्या, स्मॉल m पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ कण और इस m द्रव्यमान के कण पर हम न्यूटन के नियम से गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करते हैं। तो हम देख सकते हैं इस बल का मान आ जाएगा, दोनों कण है, एक कण है वो कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है जो, दूसरा कण है वो स्मॉल एम जो पृथ्वी की सतह पर रखा हुआ कण है उसका द्रव्यमान, दोनों के बीच की दूरी है वही पृथ्वी की त्रिज्या है वही उसके उनके मध्य की दूरी हो जाएगी, इसलिए उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू की जगह आ जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम और दूरी का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा स्मॉल जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो जी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आ गई जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर और वन अपॉन एम ऐसा कैसा वहां रह गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाता है और जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर आता। नोटिस करने की बात है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक प्राप्त हुआ है, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान प्राप्त हुआ है और कैपिटल आर का स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या उसका स्क्वायर, कहीं पर भी कण का द्रव्यमान प्राप्त नहीं है इस सूत्र में, कहीं पर भी कण का द्रव्यमान नहीं है, स्मॉल एम कहीं पर भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी ऊंचाई से चाहे हम 5 ग्राम की वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराए, चाहे 50 किलोग्राम का द्रव्यमान लगाए, चाहे 50 टन का द्रव्यमान गिराए, सभी द्रव्यमान हैं उनके वेग में वृद्धि की दर 9.8 मीटर पर सेकंड ही होगी यदि पृथ्वी की सतह से गिराया जा रहा है, वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगी। इसलिए भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, इनको एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए तो वो सभी पृथ्वी की सतह पर एक साथ पहुंचती हैं और उसका रीजन यही है कि स्मॉल जी का मान कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रह के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले के अंदर विभिन्न मान रखते हैं, कैपिटल जी है 6.67 × 10^-11 ऐसा यूनिट में, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10^24 के जी, पृथ्वी की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, इसको लिख सकते हैं हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 10^3 और 1, 2 और 3 दशमलव 3 स्थानों को फ्री किया तो ये बन गया 6.4 और ये बन जाएगा 10^6 3 और 3 मिलकर मीटर। इस तरह से स्मॉल जी इज इक्वल टू आ जाएगा 6.67, ये आ गया 6, ये स्क्वायर है इसलिए 6.4 6.4। अब बात करते हैं घातों की, ये आ गया 10^-11, इसमें 10^24 की घात जुड़ जाएगी, इस ब्रैकेट को खोलने पर 10^6 है, घात के ऊपर घात चढ़ती है तो घातों का गुणा हो जाएगा, 6 में 2 का गुणा होकर 12 मिल गए, ये 12 की घात है वो ऊपर जाएगी तो -12 बन गए। इस तरीके से इस वाले भाग को सॉल्व करेंगे तो आ गया 0.98 और ये आ गया 10^1 यानी कि 10 में 9.98 का गुणा किया तो आ गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। इसी जी का मान है वो हम घनत्व के पदों के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं, पृथ्वी को एक परफेक्ट गोला मानते हुए पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा आयतन इंटू घनत्व। पृथ्वी को यदि आर त्रिज्या का गोला माने तो इसका आयतन हो गया 4/3 πr³, पृथ्वी का घनत्व हम ले लेते हैं डी। यहां से इस गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र में एम के स्थान पर ये मान रखने पर हमें प्राप्त होता है जी इंटू एम की जगह लिख लेंगे 4/3 πr³ d, बटे में आ गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट के एक आर बचेगा और ये आ गया 4/3 πg और यहां से एक आर बचा है वो और डी आर इंटू डी। इस तरह से गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो हमें द्रव्यमान के रूप में तो प्राप्त होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर
और घनत्व के रूप में प्राप्त होता है 4/3 πgrd। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में हम जी के मान में वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। कैपिटल जी और स्मॉल जी दो सिंबल हमने काम में लिए। कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, उसका मान कहीं पर भी बदलता नहीं। स्मॉल जी गुरुत्व त्वरण है, उसका मान है वो बदलता जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाएंगे तो भी इसका मान बदल जाता है। पृथ्वी की सतह से अंदर गहराई में जाएंगे तो भी बदल जाता है। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग त्रिज्या है, सतह की केंद्र से दूरियां अलग अलग हैं तो भी इसका मान बदल जाएगा। और साथ ही पृथ्वी की घूर्णन गति का भी गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ता है। उसके बारे में हम चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।